इतना काला गुलाब देखा था। और एक पंजाबी दी नजम, एक घर विच काफी सारे परौने आ गए ने, ते आके वापस जान दा नां नहीं लै रहे। तंग आके घर वाला कहंदा है, उन्नी भी दिहाड़िया तो इत्थे ही ओ खैर है, उन्नी भी दिहाड़िया तो इत्थे ही ओ खैर है, होर भी बरादरी च मेरे नाल ही वैर है। तो तुसी आप हो ते 15 न्याणे ने, अगो भी उम्मीद है ते खरे किन्ने आने ने। इसे लई दर दर धक्के पाए खांदे हो, किधरे नूं जांदे कदी किधरे नूं जांदे हो। भाई जान घर हुण होर कोई तार लो, रहिंदा खुंदा आटा भी ड्रमी विचों चार लो। हुण ते उधार पए मंग मंग खाने आ, भैड़े मूंह आप छड्डो असीं हुण जाने आ। करोना भी ढीठ सी, ओह कहिंदा गल मेरी सुनो तुसी, रब कोलो डरी दा जे, घर आए होए नूं जलील नहीं करी दा जे। ऐडा भी नहीं बंदे नूं कंजूस होना चाहिदा, अपने नसीब दा ही लिखा होया खाईदा। तुसी मेरा ताए दे गवांडियां दे खालू हो, पता नहीं परौनियां तो ऐडे क्यों चालू हो। तुसी मेरा ताए दे गवांडियां दे खालू हो, पता नहीं परौनियां तो ऐडे क्यों चालू हो। हुण सानू मारो कुट्टो भावे दंदी वाट लो, हुण सानू मारो कुट्टो भावे दंदी वाट लो, औखे सौखे 10 दिन होर तुसी काट लो। ये थे इदरीस कुरैशी, आपकी तालियों की गूंज में डॉक्टर सईद इकबाल सादी। ये शरारती लड़की और मौलवी, शरारती लड़की और मौलवी मेरे जैसा। कि लड़की बोली मौलवी से मर मिटी हूँ प्यार में, लड़की बोली मौलवी से मर मिटी हूँ प्यार में, सुन के उसने 2 दफा अस्तगफरुल्ला कह दिया। लड़की बोली मौलवी जी मैं मिटी हूँ आप पर, मौलवी ने 6 दफा फिर माशाअल्लाह कह दिया। और ये बच्चियों की तालीम कहते हैं, तालीम नुस्वा के हवाले से एक किताब, के बच्चियों की तालीम है लाजिम सब ये कहते हैं, बच्चियों की तालीम है लाजिम सब ये कहते हैं, नस्लें पड़ जाती हैं लड़की के पढ़ जाने से। लेकिन सोचता हूँ मैं इन लड़कों का मुस्तकबिल, फेल जो हो जाते हैं इनके काले जाने से। अफगानियों के हाथ में अमरीकी आ गए, ढाकर जमीन पे नासों में निस्वार चाड़ दी। शलवार वाले गाजियों के रोब दाब ने उन पेंट वाले फौजियों की पेंट फाड़ दी। ईद का रोज है कुछ आपको देना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब मैं जिस शायर को बुला रहा हूं, आप समझ गए, मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत इतना रंगीन मुल्ला नहीं देखा, सैयद सलमान गिलानी। क्या हाल जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। गिलन साहब, एक सवाल जो बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं, चूंकि मेरा और आपका साथ रहता है जी इरशाद, कि वो ये पूछते हैं कि जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई
मौलवी साहब हैं जो निकाह पढ़वाने आए हैं, लेकिन जब उनकी शायरी सुनते हैं तो मामला और ही निकलता है। तो क्या जवाब है आपका? देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ। क्या बात है, क्या बात है। देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख। जाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना। आप हैं और गिलानी साहब। वो डिग्री के अलावा एक दुल्हन भी साथ लाया है, वो डिग्री के अलावा एक दुल्हन भी साथ लाया है। मिला था दाखला जिस जिस को भी पंजाब कॉलेज में, मिला था दाखला जिस जिस को भी पंजाब कॉलेज में। खुशी होगी मुझे समझी अगर बन जाएं हम दोनों, खुशी होगी मुझे, खुशी होगी मुझे समझी अगर बन जाएं हम दोनों। तेरी चंदा है कॉलेज में मेरा महताब कॉलेज में, तेरी चंदा। एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला जोड़े अंतल जाए अपना ताम तरे, मेरे ख्यालों में छाई है इत सूरत मत वाली सी। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी। पढ़ती है इसी कॉलेज में पर घर का पता मालूम नहीं। ओहो सॉरी ना, ओहो सॉरी ना, गोरी ना। तो एक कथा के सब छींके मार मार के हलकान हो गए, सब छींके मार मार के हलकान हो गए। नेटो के फौजियों की वो हालत बिगाड़ दी, नेटो के फौजियों की वो हालत बिगाड़ दी। अफगानियों के हाथ में अमरीकी आ गए, ढाकर जमीन पे नासों में निस्वार चाड़ दी। घाकर जमीन पे नासों में निस्वार चाड़ दी, घाकर जमीन पे नासों में निस्वार चाड़ दी। और शलवार वाले गाजियों के रोब दाब ने, शलवार वाले गाजियों के रोब दाब ने उन पेंट वाले फौजियों की पेंट फाड़ दी। चेहरों पे नकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, चेहरों पे नकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है। सब मुंडे यहाँ भाई हैं, बहनों को यकीन है। सब मुंडे यहाँ भाई हैं, बहनों को यकीन है। और अमरीका ना यूरोप है, ना जापान ना चीन है। अमरीका, अमरीका ना यूरोप है, ना जापान ना चीन है। जो हुस्न यहाँ है वो कहाँ और कहीं है। मर्द जवानी में भी पूंडी नहीं करता, जो मर्द जवानी में, जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, इस दौर में वो हक का वली दी का अमी है। इस दौर में वो हक का वली ये फलसफा सुनकर
कहा एक ख्वाजा सरा ने। ये फलसफा सुनकर कहा एक ख्वाजा सरा ने, हाउ हाय हाउ हाय हाउ हाय वो हक का वली हम साथ तो नहीं है। तो फीमेल मेल लगती है तो फीमेल मेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है। और मेरे बचपन की जो सहेली थी आजकल वो सुहेल लगती है, आजकल वो सुहेल लगती है। मेकअप के बाद उस इतने मेकअप के बाद इतने मेकअप के बाद कब के बाद उफ तौबा जाने मन तू चुड़ैल लगती है, तू चुड़ैल लगती है। कोई खतरा नहीं है आमरियत का वतन में, नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गईया। आखन लगिया बीबा एडा पर्दा कानू पाना, जन्नत विच इलेक्शन होना है वोट सानू बड़ा। और अब मैं जिस शायर को दावत दे रहा हूँ वो डॉक्टर बदर मुनीर। चंद ही सालों में वो संजीदा शायरी से इस तरफ आए और बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। प्लीज इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत के साथ डॉक्टर बदर मुनीर। पहली नज्म का उन्वान है प्रेम कहानी। वो भी दिन थे दिल कहता था यू आर ओनली माइन, वो भी दिन थे दिल कहता था यू आर ओनली माइन। सारा सारा दिन करते थे एक दूजे को जाइन, हुए निकाह नामे पे झटपट फिर दोनों के साइन। कुछ अरसा तो लगा मुझे के एवरी थिंग इज फाइन, फिर अपनी इस प्रेम कहानी पर आया डिक्लाइन। अब वो मुझको जिन कहती है और मैं उसको डाइन। चैटिंग करते करते बन गई अपने प्यार की बेस, तय पाया फिर एक दिन उससे डेट वेट का केस। बागे जना में दूसरे दिन मुश्किल से किया ट्रेस, सोचा था कि लुक में उसकी होगी बड़ी ग्रेस। जब असली सूरत देखी तो दिल को पहुंची ठेस, पीछे मुड़कर भी ना देखा ऐसी लगाई रेस। अब मैं आखिर में ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जिस शायर को दावत दे रहा हूं वो मेरे आपके और जहां जहां उर्दू पंजाबी समझी जाती है सबके महबूब शायर हैं। अनवर की सरे बज़्मे सुखन आई है बारी, क्या जानिए वो शख्स रुला दे के हंसा दे। बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए अनवर मसूद। बहुत
जनाब मुनीर नियाजी साहब अल्लाह बख्शे मरहूम कहने को दिल नहीं करता, बड़े हौसले की बात है जी। बड़े बड़े शायर थे और बड़े खूबसूरत शायर थे बेशक, और उनके अंदर एक मासूम सा बच्चा भी था, अजीब तरह का बच्चा। वो बाहर निकल आता था, बाजुकात बड़ा तंग करता। एक दफा मेरे साथ ओस्लो में थे तो वो सारे लोग चुप बैठे थे, तो मैंने कहा कोई बात की जाए, तो मैंने ऐसे ही बात छेड़ दी। मैंने कहा मुनीर साहब, इंसानी जिस्म में दो चीजें हैं जिन्हें काटा जाए तो लहू नहीं निकलता, एक बाल है और एक नाखून है। तो मुनीर साहब ने यह बात सुनी तो थोड़ी देर सोच के कहने ने, अनवर तू साडे पिंड दा नाई नहीं वेख लिया। पहले कुछ ईद के हवाले से कथा सुनिए। वो ये है कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो ईद के दिन एक आदमी का चालान कर रहा, और जिसका चालान हो रहा है मैंने उसके लिए लफ्ज बनाया है मजलून, यानी जिसका चालान हो रहा है उससे पूछता है कि आप बेजुर्म यकीनन हैं, लो जी फिर भी चालान हो रहा है, आप बेजुर्म यकीनन है मगर ये फिदवी आज इस काम पे मामूर भी मजबूर भी है, ईद का रोज है कुछ आपको देना होगा, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। मैंने एक दिन का अखबार किस तरह पढ़ा है, चार खबरें। पहली खबर, वजीर खारजा तुर्की के दौरे पर है कल से। दूसरी खबर, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। वजीर खारजा तुर्की के दौरे पर है कल से, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है, कोई खतरा नहीं है आमरियत का वतन में, नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई है। मरीज कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसों में, ऐवाने दीवाने सियासत में हम हैं आज। मरीज कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसों में और उनका हाल है ऐसा कि मरने वाले हैं, मगर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है, यहां से कौम के खादिम गुजरने वाले हैं, यहां से कौम के खादिम गुजरने वाले हैं। अजीजो आपने अल्लामा इकबाल का वो सुना होगा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, इसी बहर में सुना हुआ है वाकया ऐसा, बलोचिस्तान में अनवर के एक रिक्शे के अंदर हो गया है एक पिसर पैदा, हुआ है वाकया ऐसा, बलोचिस्तान में अनवर के एक रिक्शे के अंदर हो गया है एक पिसर पैदा, ट्रैफिक रुक भी जाए तो विलादत रुक नहीं सकती, ट्रैफिक रुक भी जाए तो विलादत रुक नहीं सकती, इशारा बांध था फिर भी हुआ नूरे नजर पैदा। एक जबान का कथा सुनिए, आप छींटे न मुझ पे फेंकेंगे, मैं ये हुस्ने गुमान रखता हूँ, पान रखते हैं आप अगर मुंह में, मैं भी मुंह में जुबान रखता। एक गजल के है, आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, आया ना मजा, है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह। और ये शोरा हजरात बैठे हैं,
किस नाज से वो नज्म को कह देते हैं नजरी, जब उसके खता होते हैं औजान वगैरह, जब उसके खता होते हैं, किस नाद से वो नज्म को कह देते हैं नसरी, जब उसके खता होते हैं औजान वगैरह। और ऐमान दीवाने सियासत पे अर्ज कर रहा हूँ कि जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह, और हर शर्ट की वो शर्ट बना डाली है अनबर, यूं चाक किया हमने गरीबा बल्बा दे जुगनू भर लो डांगा नाल चलाओ पखे। आखन लगिया बीबा एडा पर्दा कानू पाना, ए जन्नत विच इलेक्शन होना है वोट सानू पाना। बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आते हो, और जनाब वापडा के लिए कथा पंजाबी में, ए दे लई दुआमा मंगो, ए दे लई दुआमा मंगो, एनू रब सलामत रखे, बल्बा दे विच जुगनू भर लो डांगा नाल चलाओ पखे, बल्बा दे विच जुगनू भर लो, एदे लई दुआवां मंगो, इनू रब सलामत रखे, बल्बां दे विच जुगनू भर लो और डांगा नाल चलाओ पखे। मेरी एक नज़्म है, आपको आती होगी वो, जे ओ रहमा ओदे ओ जेड़ा रहमा है ना, ओ ख्वाब वेंदा है ते जन्नत च पहुंचया है, ओथे की वेंदा है जरा तुसी भी देख लो। ए दीवाने सियासत के लिए ये नज़्म बड़ी जरूरी है। पंजाबी दी के जिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी जावे, खुश होने की जरूरत नहीं मेरे वल, डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे, ते एक नजर मस्तानी जिस दी लाख भुलेखे पावे, एडी सोनी छैल छबीली, एडी सोनी छैल छबीली चाती पांदे डरिए, ते बदल ओ दिया मिसरा सुनिए इनायत साहब, एडी सोनी छैल छबीली चाती पांदे डरिए, ते बदल ओ दिया जुल्फां अगे आखण पानी भरिए, ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया, होया रंग उदा जीव मैदे विच सैदूर मिलाया, होया ते हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना, उसदे नाजुक हत्थां दे विच सोने दा इक छन्ना, ओ छन्ना उस आण के मेरिया होठा नाल लगाया। अजीजो बात कहने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता है जी, ओ छन्ना उसाण के मेरे यहां होठा नाल लगाया, हापड़ हापड़ पीण लगा मैं भरिया दा तरियाया, ते ठंडा ठार फलूता, माशाल्लाह कैसे कैसे जौक वाले बच्चे, ठंडा ठार फलूंदा संगो लंग दा जाए अगे, दुध वराछा मेरिया विचों सजे खबे वगे, ते दुध फलूदे चाड़े मैनू नशे शराबा वाले, इन्ने चिर विच होर भी हूरा खलिया आण दबाले, ओना ने कुछ होर सुखाता मेरे लई मंगवाइया, किस्मा किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइया, किस्मा किस्म मुरब्बे मेवे लगदा भुख लगी तो, किस्मा किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइया, ते मुड़ मैं इन्ना बाग ताग खाता कुड़ता ढेड ना कजे,
मुड़ मैं इना वक्त खादा कुड़ता टेड ना कजे पाटन हाका पेट नदी दी अख मेरी ना रज। मेरी एहो नीयत सी भई कदी ना इथों हलिए पूरा आखण आओ जी हुण सैर करन नू चलिए। ते इक था मैनू शायद दी ओना वक्त दी नहर बखाई ते ज्यू ज्यू वेखां वद्दी जाए अखियां दी रुशनाई ते कारां अते जहाजां वाले भुल गए सब झूठे कौस कुजा विच पा के मैनू हूरा दिते हूटे ते सरे ओ जईयां जरा सरसों की डिस्क्रिप्शन देखी सरे ओ जईयां सोहणियां नारां दिसन हर हर पास से पतले लाक बसंती चुनिया ओठा ऊपर हाथ से हर कोई मैनू जी जी बोले मैनू मैनू हर कोई मैनू जी जी बोले आखे राज दुलारा ओ मेरे नाल परौने वर्गा ओना दा वरतारा मैं पुछिया नी हूरो अड़ियो कानू खिड़ खिड़ा सो ओ मेरी एडी खिदमत खातर बिचली गल ते दसो आखण लगियां बीबा एडा परदा कानू पाना ऐ जन्नत विच इलेक्शन होना वोट सानू पाना और आखिर में आपकी फरमाइश बनैन जी बनैन से पहले नहीं नहीं अंबड़ी का मौका नहीं पप्पू यार तांग ना कर पप्पू सानू तांग ना कर तू पप्पू सानू तांग ना कर तू बड़े जरूरी काम लगे सोची पए आ हुण की करिए ते रोटी छोटी खा बैठे आ लस्सी शस्सी पी बैठे आ हुक्के दा कश ला बैठे आ पूंज बांझ के अंदरों मारो भांडे भी खड़का बैठे आ सोची पए आ हुण की करिए। कराची के तनाजुर में देखी ये कथा कैसे कैसे असले बन गए वड्डे वड्डे मसले बन गए कैसे कैसे असले बन गए वड्डे वड्डे मसले बन गए वड्डे शहर बसा बैठे आ सारा चैन गवा बैठे आ ते सोची पए आ हुण की करिए रिस्क सियासत इश्क कविता कुछ भी खालिस रहण ना दिता सारी खेड वजा बैठे आ दुध विच सिरका पा बैठे आ सोची पए आ हुण की करिए दुध विच सिरका पा बैठे आ सोची पए आ हुण की करिए जी करदा सी वोटां पाईए जमहूरीयत जी करदा सी वोटां पाईए मार्शल ला तो जान छुड़ाईए वोटां छोटां पा मैं एक जगह तो पे लंगा ते एक औरत जो है अपनी बच्ची को कहती है मेरी नज़म के हवाले से कहती माझ वाला पाई जा रहा है ते मैं उन्हूं मेरा जवाब सुनो मैंने आख्या बीबी मेरा गुजरात से ताल्लुक है मैंने भैंस पे नज़म लिखी है तुम मुझे महीवाल क्यों नहीं कहती। अनवर मसूद की बनैन जो है मगरबी कल्चर है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरा नहीं आ रहा। बनैन लैन जाते हो बनैन लेके आते हो पाते हो तो पहनी नहीं पै जाए ते लैनी नहीं ले जाए ते दूजी बारी पान जोगी लैनी नहीं बनैन मैं देंगा बनैन मैं देंगा पाओ कित पै जाए लाओ कहते लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी बनैन मेरी बधिया बनैन मेरी बधिया बनैन बनैन मेरी बधिया बनैन मेरी टॉप दी
ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਧੁੱਪਨਾ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਖਿਰ ਮੇਂ ਤੀਨ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਹੈ ਚਲ ਪੜਾ ਹੂੰ ਸ਼ੌਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਾਨ ਕਰ ਰਸਤਾ ਪੁਰ ਪੇਚ ਹੈ ਯਾ ਪੁਰ ਖਤਰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਪੁਰ ਪੇਚ ਹੈ ਯਾ ਪੁਰ ਖਤਰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਥਕਨ ਸਾਰੀ ਦੁਖਨ ਸਾਰੀ ਚੁਭਨ ਏਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਯੇ ਸਫ਼ਰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਤੇਰਾ ਅਨਵਰ ਬਾ ਹੁਨਰ ਯਾ ਬੇਹੁਨਰ ਜੈਸਾ ਵੀ तकसीम हुए जिस तरह फिक्र अंगेज बातें हुई और फिर पाकिस्तान पर आकर वो बातें खत्म हुई मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं तने को चीरती कोंपल दिखाई देती है मुझे बहार की आहट सुनाई देती है अल्लाह हाफिज आप भी खुश रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद